और अब इंतजार है नीरज चोपड़ा का। जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला लगातार जारी है। लगभग आपको जानकारी दी कि दो अटेम्प्ट हो चुके हैं दूसरे देशों के प्लेयर्स, तीसरा अटेम्प्ट होना है, इंतजार है तो नीरज चोपड़ा का, जब वो मैदान पर होंगे, जब वो भाला फेंकेंगे और क्या रिकॉर्ड बनाते हैं, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। देखिए थर्ड जो अटेम्प्ट है वो दूसरे देश के प्लेयर ने कर दिया है। हर एक अपडेट आपको विस्तार से बता रहे हैं, पल पल की अपडेट कि आखिर अब किस तरीके से लगातार अलग अलग देशों के जो प्लेयर्स हैं वो अपना भाला फेंक रहे हैं और अब इंतजार बस इस घड़ी का है जब नीरज चोपड़ा पहुंचेंगे। खबर यह सामने आ रही कि आठवें नंबर पर नीरज चोपड़ा आकर भाला फेंकेंगे। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश महाजन जुड़े हुए जो कि नीरज चोपड़ा के घर से मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीरज माफ कीजिएगा अंकुश, तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं, इंतजार है तो नीरज चोपड़ा का, जब खबर यह सामने आ रही कि आठवें टर्न पर नीरज चोपड़ा पहुंचेंगे वहां पर। बिल्कुल इंतजार है कि कब नीरज चोपड़ा आएंगे, कब नीरज चोपड़ा जो है अपना भाला फेंकेंगे, क्योंकि फाइनल्स मैच शुरू हो चुका है सचिन, और अब तक तीन जो खिलाड़ी है वो भाला फेंक चुके हैं, जो 85 मीटर के आसपास तीनों ने अभी डाला है। और इंतजार है कि नीरज, जिस तरीके से हमने क्वालिफाई मैच में भी देखा कि 99.34 मीटर से ज्यादा उनकी जो उन्होंने दूर भाला फेंका था और सीधा वो फाइनल में प्रवेश कर गए थे, और अब यहाँ पर जोश आप सुन सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोगों में काफी भारी जोश दिखाई दे रहा है और सैकड़ों की गिनती में जो जो प्रशंसक है और जो समर्थक है और गांव वाले हैं, उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो यहाँ पहुंचे। और इस वक्त यहाँ पर जो माहौल है काफी ज्यादा जो है वो माहौल जो खुशी भरा भी है और एक तरीके से टेंशन भरा भी लोगों के चेहरों पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माहौल जो बना हुआ है और भारी संख्या में जो प्रशंसक है वो यहाँ पहुंचे। एक बार आपको तस्वीरें यहाँ की एक बार दिखाना चाहूंगा मैं कि कैसे यहाँ का जो माहौल यहाँ बना हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से हम यहाँ पर जब पहुंचे थे तब यहाँ पर कैसा माहौल था और यहाँ पर अब कैसा माहौल है, क्योंकि अब कुछ ही पलों की बात अब बाकी रह गई है कि जब नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकेंगे। पांच प्लेयर लगातार अब तक भाला फेंक चुके हैं और कुछ ही देर में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कि आठवें नंबर पर नीरज चोपड़ा पहुंचेगा और उसको देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की गिनती में जो है भीड़ यहाँ पर जुटी हुई और बड़ी स्क्रीन परिवार की ओर से यहाँ लगाई गई। और इस वक्त यहाँ पर बड़ी जो है बिग स्क्रीन पर जो प्रशंसक है उनके इस मैच को लाइव देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हो सके अंकुश जरा लोगों से बात कीजिए, क्योंकि देखिए इंतजार की घड़ी आ चुकी है, सबकी धड़कने थम चुकी हैं। बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बातचीत यहाँ करते हैं, उनके जो तमाम जो दर्शक यहाँ पहुंचे हैं, मैच देख रहे हैं, अब कुछ ही पल रह गए हैं अब कि भाला फेंकेगा नीरज चोपड़ा, हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे, नीरज चोपड़ा गोल जीतेगा? जीतेगा जी, हम तनु के बड़े भाई को बधाई हो, तो गांव में गोल्ड मेडल आएगा। और यहाँ पर समर्थक जो यहाँ जुटे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर आप मैच देख रहे हैं, अब कुछ ही पल रह गए जब नीरज मैच देख रहे हैं, बिल्कुल जीतेगा, जीतेगा बिल्कुल, 90 मीटर का स्कोर, गोल्ड लेकर आऊंगे, गोल्ड आऊंगा, गोल्ड अपना गोल्ड आऊंगा भाई साहब, गोल्ड पक्का, हाँ गोल्ड आएगा। देखते हैं कि तमाम जो गांव के बड़े बुजुर्ग और यहाँ पर अब सबके चेहरों पर कहीं ना कहीं टेंशन भी नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा मैच और लोगों का पूरा भरोसा जब एक देश के हीरो पर हो तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं टेंशन जरूर रहती है। नीरज के पिता भी यहीं पर मौजूद हैं, उनके तमाम जो परिजन है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और भारी संख्या में जो लोग इस मैच को यहाँ पर लाइव देख रहे हैं और इंतजार हो रहा है कि कैसे नीरज चोपड़ा यहाँ पहुंचे, और नीरज चोपड़ा जैसे ही वो भाला फेंकेगा तो यहाँ पर उत्साह लोगों का देखने वाला होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों के चेहरों पर साफ टेंशन देखी जा सकती है। बस इंतजार है अब नीरज चोपड़ा जब भाला फेंके, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ नेशन के दर्शक लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नीरज चोपड़ा के घर से।